स्टैमरिंग को छोड़ के भी काफी चीजें ऐसी हैं जो सीखने को मिली। चलिए, आपका कैरेक्टर कैसा लगा आपको? वो ब्रीदिंग फास्ट हो रहा था। सर मुझे लगा जैसे कि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मेरी कहीं पे जो नॉर्मल स्पीड है, जो मेरी एक्चुअल में फास्ट है, वो धीरे धीरे आ रही थी। सर आई हैव दिस प्रॉब्लम फ्रॉम 5 और 6 क्लास। जैसे कि मतलब कि जैसे क्यों ना किसी ने कुछ पूछा तो तब मतलब एकदम से अपन सांस ज्यादा ले लेते हैं कि ज्यादा बोलेंगे उसके सामने, जो अपने वर्ड जहाँ पे अपन वो ना रुकते हैं तो ये वो होता है, माइंडसेट के अंदर सेट रहता है कि ये वाला वर्ड मतलब कि ये वो ना सबके साथ में निकालना है अपन को। जैसे कि मैं पहले ये सोचता था कि ये डिसीज़ आपको चाइल्डहुड से मिली है, और काफ़ी मैं ये फील करता था कि इसको ओवरकम नहीं कर सकते या हो ही नहीं सकती, इसके साथ लाइफ टाइम जीना पड़ेगा, और काफ़ी डिमोटिवेशन भी होता था। बट आपका सेशन ज्वाइन करने के बाद ऐसा फील हुआ कि ये कोई डिसीज़ नहीं है, ये जस्ट एज अ बैड हैबिट है जिसको हम इजिली ओवरकम कर सकते हैं प्रैक्टिस के थ्रू। टेक योर टाइम, एक्सेल मुंह से। मैं लोगों के बारे में मतलब जानना चाहता हूँ कि जैसे आप यहाँ पे कहाँ रहते हो, और आपको रोड में मतलब कोई दिक्कत तो नहीं होती यहाँ पे आने में, और ट्रेवलिंग टाइम वगैरह, और नॉर्मल मतलब आगरा के बारे में? देखिए, ये आगरा में ताजमहल देखने योग्य है, अच्छी चीज है। सिकंदरा है, फतेहपुर सीकरी, बुलंद गेट, और काफी जगह यार देखने लायक है। सर चलिए, आपका कैरेक्टर कैसा लगा आपको? वो ब्रीदिंग फास्ट हो रहा था। मुझे लगा जैसे कि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मेरी कहीं पे जो नॉर्मल स्पीड है, जो मेरी एक्चुअल में फास्ट है, वो धीरे धीरे आ रही थी। टैमरिंग को छोड़ के भी काफी चीजें ऐसी हैं जो सीखने को मिली। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने उस दिन बताया था कि अगर सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पैटर्न सेट होता है तो आपको ड्रीम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। मेरे साथ पहले क्या था कि मैं सोचता था कि बॉडी के साथ प्रॉब्लम है, बट कुछ टाइम बाद फिर मुझे ड्रीम्स आते थे कि मैं ड्रीम्स में भी रुक रुक के बात करता हूँ। बट अब मैं ट्राई करता हूँ कि जहाँ भी हो सके मैं अपना फॉलो करूँ वही जो आपने बताया है। और अब करीब 1 या 2 दिन पहले मुझे ड्रीम आया कि मैं फ्लुएंटली बात कर रहा हूँ किसी दोस्त से, और इवन मुझे जब मैं सुबह उठा तो फील हुआ कि जो सपने मुझे पहले आते थे बट वो अब नहीं आते। तो थैंक यू सर सो मच।